इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियाँ इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है ओहायो के रहने वाले जेफ और उनके 3 साल के बेटे माइल्स की। क्या बच्चों में सच में छठी इंद्रिय होती है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना के टाइमे में। एक शाम जेफ अपने बेटे माइल्स के साथ गाड़ी चला रहे थे। वे एक पुराने और शांत कब्रिस्तान के पास से गुजरे। इस कब्रिस्तान में केवल फूल और छोटे छोटे पत्थर लगे थे। लुकिंग में यह एक बड़े बगीचे जैसा लगता था, लेकिन आज यह कुछ अलग था। माइल्स, जो खुशी से गाना गा रहा था, अचानक क्वाइट हो गया। उसने कब्रिस्तान की तरफ उंगली उठाई और कहा, लुकिंगो पापा, कितने सारे लोग हैं? जेफ ने लुकिंगा, पर वहां कोई नहीं था। एक गहरी खामोशी छा गई। जेफ ने माइल्स से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? माइल्स ने जवाब दिया, वहां बहुत सारी दादी मां है। यह सुनकर जेफ के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने माइल्स से पूछा, वे लोग क्या कर रहे हैं? माइल्स ने कहा, वे सब घास की तरफ देख रहे हैं। यह सुनते ही जेफ ने गाड़ी तेज कर दी और जल्दी से घर पहुंच गए। रास्ते भर जेफ के मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या माइल्स सच कह रहा था? उसी दिन शाम को माइल्स टीवी देख रहा था। उसने अचानक जेफ की तरफ लुकिंगा और कहा, पापा, आप जानते हैं, वे लोग जिंदा नहीं थे। जेफ ने सोचा कि वह कार्टून की बात कर रहा है, तो उन्होंने पूछा, युहारा क्या मतलब है? माइल्स ने गंभीरता से जवाब दिया, वे लोग जो हमिंदे लुकिंगे, वे सब रुके हुए थे। जेफ इस बात को समझ नहीं पाए कि उनका बेटा छठी इंद्रिय रखता है या उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज है, लेकिन इस घटना ने उन्हें और हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में बच्चे कुछ ऐसा देख सकते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की स्टोरी। क्या आपको लगता है कि माइल्स ने सच में कुछ लुकिंगा था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और फिरावनी कहानी के विद। तब तक के लिए अलविदा।